हमारे घर में बहुत सारे डिब्बे बोतल्स इस तरह से पड़े रहते हैं, बिल्कुल वेस्ट, जिनका कोई यूज नहीं होता है। उन सारे बॉटल्स डिब्बे से हम अपने गार्डन के लिए खूबसूरत सा प्लांटर बनाएंगे, जिनमें हम बहुत सारे प्लांट की कटिंग प्लांट्स लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे इन सारे डिब्बों से हम प्लांटर बना सकते हैं। पहले तो जो भी डिब्बे या बॉटल्स रहें उनको हमें काट लेना है कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद हम उन पर पेंट करेंगे। काटने के बाद एक चीज़ का और भी ध्यान देना है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यूँ ही फेंक देते हैं तो उसमें डस्ट पड़ जाती है, उनको अच्छी तरीके से धुल के सुखा लीजिए, उसके बाद हमें पेंट करना रहेगा। धुल के सुखाने से फ़ायदा ये होता है, जब हम पेंट करते हैं तो उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आती है, शाइन रहती है। और अगर आप इसमें चमक बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो भी पेंट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल दीजिए। पेंट करने के बाद उसको फुल सनलाइट में रखिए सूखने के लिए। यहाँ पर हम एक एक डिब्बे को कुछ इस तरीके से पेंट कर रहे हैं। अब ये सारे बॉटल्स डिब्बे को हम पेंट कर दिए हैं। यहाँ पर हम रेड कलर का यूज कर रहे हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। एक से या दो दिन अगर सर्दी का मौसम है तो इन्हें सूखने में लग जाता है, नहीं तो गर्मियों के मौसम में अगर फुल सनलाइट में आप रख देते हैं तो 3 से 4 घंटे में पेंट सूख जाते हैं। उसके बाद आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। पूरे डिब्बे को हम रेड कलर से कलर कर दिए, सूख जाने के बाद हम ऊपर से कोई डिज़ाइन बनाएंगे। येलो कलर से यहाँ पर हम डिज़ाइन बना रहे हैं, आप अपने पसंद के अनुसार किसी भी कलर को ले सकते हैं। अभी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुई थी कि बारिश शुरू हो गई, तो इस काम को हमें अधूरा छोड़ना पड़ा। अगली सुबह फिर से हम डिज़ाइन बनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे यहाँ एक पौधा होता है, उसके फ्रूट कुछ इस तरह से होते हैं जिनका शेप काफ़ी अच्छा बनता है, तो उससे हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन बन रही है। अलग अलग शेप में इसको हम अलग अलग तरीके से डिज़ाइन इस तरीके से बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप जब अपने बॉटल्स पे डिब्बे पर ट्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जो भी डिज़ाइन बनाएंगे देखने में बहुत ही यूनिक लगेगी, और ये नहीं दिखेगा कि इसको आप अपने हाथों से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी सी डिज़ाइन बन के तैयार हो जा रही है। एक डिज़ाइन तो हम फ्रूट से बना लिए हैं, दूसरे डिज़ाइन हम ट्यूब के कैप से बना रहे हैं। अगर आपके पास ये फ्रूट नहीं रहता है तो इस तरह के ट्यूब तो सभी घर में उपलब्ध रहते हैं, उससे भी आप इस तरह से राउंड शेप देकर डिज़ाइन बना सकते हैं। ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे प्यारे प्यारे प्लांटर बनके तैयार हो गए हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से। अब इसमें हम बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह के कि हम प्लांट की कटिंग इसमें लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। तो इन सारे जो प्लांटर हैं इनमें भी नीचे होल बना देना है, उस पर हम कंकड़ रख के सॉइल मिक्सचर डाल देंगे। ये जो सारी कटिंग है इसको हम इनडोर ही लगाएंगे, क्योंकि जब हम खूबसूरत प्लांट को कलर करते हैं बनाते हैं तो उनको अगर हम इंडोर रखते हैं, उन पे ज़्यादा धूप नहीं पहुँचती है या फिर बारिश का पानी नहीं पहुँचता है, तो हमारे प्लांटर काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इतना सुंदर सा प्लांटर इसको हम इंडोर के लिए ही बना रहे हैं ताकि इन पे पानी ना पड़े और हम जहाँ पर इनको रखें देखने में बेहद खूबसूरत लगे। तो बहुत सारे प्लांट की कटिंग को हम लगा दिए हैं। अब इसमें जो प्लांट के हम कटिंग लगा रहे हैं, कौन कौन से प्लांट है, कौन कौन सी कटिंग कैसी लगती है, कितने दिन पे कैसी ग्रो करती है, इसकी अगर आप फुल वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह की क्रिएटिव वीडियो आती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।